और हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं पोटका विधानसभा और यह मनोहरपुर दबंकी गांव में है और इसके पहले थोड़ा देर पहले बागबेड़ा यानी घागीडी पंचायत में थे। संजीव सरदार जी का जो क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गरीबी है, गांव के लोग बहुत ही अनुशासित ढंग से उनकी भाषण सुन रहे हैं और संजीव सरदार जी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किए हैं, यह कहना वहाँ के गांव वाले लोग। यही कारण है कि रात को 10 बजे 11 बजे 4 बजे वहाँ अपने घर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक पंचायत अधिक से अधिक गाँव में जाने का कोशिश करें। बहुत सारे महिलाएं इधर भी खड़ी है, जरूर एक बेटा बच्चा भाई तरह हम हैं, विधायक नहीं भाई भतीजा की तरह हमको कभी भी कहे कभी भी बोले और हम यहाँ पहुँच के आप लोगों को सेवा करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसे कोरोने के लिए हम नए नहीं है, यहाँ बड़े बारे में पता ही होगा, यहाँ भी हाँ ये बराबर हम उस समय लगभग 2000 से 2005 के लिए इस बस्ती के लिए हम आप लोग के लिए हैं। छोटा थे तो नहीं समझ पाते होंगे लेकिन इस बस्ती में हम 5 साल बिताए हैं और तो हर गली गली मेरे लिए, हर घर घर के लिए, हर उस समय के जो है उनके लिए हम परिचित हैं। तो उम्मीद करते हैं उस समय मेरा परिवार जैसा ही था, इस बस्ती भी इस कॉलोनी भी मेरा ही परिवार, उस परिवार के तहत रहते हुए आने वाला दिन में भी अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है जरूर और सेवा करते हुए और जो भी विकास होता है यहाँ पे विकास करने मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। और ज्यादा नहीं करते हुए विधायक जी आपके कॉलोनी के लिए क्या क्या काम किए? हमारी कॉलोनी के लिए यहाँ हमारे कुछ पेवर ब्लॉक जो की जरूरत है, यहाँ मतलब हमारे प्रांगण में पेवर ब्लॉक अभी हाल फिलहाल ही बिछाया गया था और उससे पहले पानी की समस्या के बारे में तो उन्होंने आपको बताया ही अभी हम लोगों को सबको कि ये लोग ये पाइपलाइन सब बिछ गई है, घर घर पहुंच गया है, अब आगे देखिए जब जुड़ेगा। कैसे काम किए विधायक बागबेड़ा के लिए? बहुत नहीं, इस क्षेत्र के लिए तो बहुत काम किए ये तो हमें दिखता है। बिना पार्टी पॉलिटिक्स के आए हुए हम लोग ये एकदम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन्होंने काम किया है, कर्मठ है। हमारा मुख्यमंत्री कहता हो, हमारा मुख्यमंत्री कहता हो जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। जीत गया भाई जीत गया। संजीव सरदार जीत गया। हमारा विधायक कैसा है, संजीव सरदार कैसा है? योजना अपना अपना क्षेत्र अपना देखते तक मैंने इस क्षेत्र आगे डिग्री कॉलेज छिलो नहीं कई जो छा कई धान सीधा जाए तो यह जमशेदपुर एखन डिग्री कॉलेज झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार एक डिग्री कॉलेज 41 करोड़ टाका दीवार काम कर पोटका डिग्री कॉलेज हो ताकि इखान छाना की भावे आगे बढ़े तार साथे साथे आरो पोटका एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज दीवार काम कर भालकी सामने कत 136 भले कि घर बच्चा मार भात खाई करी মার ভাত মুড়ি খাই করি যার যেমন পুরাই খাই করবা এইটার সরকারের উদ্দেশ্য। আর ইয়ার সাথে সাথে পানির জন্য জলের জন্য এই সরকার যে আমরা দেখছি সুবর্ণরেখা নদী কোন দিকে আছে? ওই জাদুগোড়া দিকে, ওই জাদুগোড়ায় সুবর্ণরেখা নদী আছে আর ওই নদী থেকে কিভাবে আপনাদের জল পৌঁছে 12 মাস জল পৌঁছে চাপাকর খারাপ হচ্ছে শুকছে এটা নিজাত পাওয়ার জন্য এই সরকার 262 কয়েক বছর থেকে এই বছরও এই বাদনা পরবের শুভ অবসরে যেখানে কার্যক্রম হয়ে এসেছে
আর এই গ্রামের অথক প্রয়াস কি বাদনা পড়ো কোন গ্রামে রেতে মাঙ্গো क्या स्कूल के लिए शिक्षा के लिए विधायक जी कुछ कॉलेज स्कूल खुलवाए हैं पूरा बनवाए क्या बनवाए रोड बनाए ब्रिज बनाए और ये क्या विकास का काम हुआ है विकास का काम हुआ है कैसा विधायक है बढ़िया पूरा चाहिए जाते हैं आप लोग गाँव में हाँ बढ़िया रोड क्या है और विकास का काम क्या है और पेंशन का आधार का यहाँ का यही काम क्या है विधायक जी को जब भी बुलाते गांव में आता है हाँ आते हैं हाँ कितना वोट जिताइए इस बार अपने गांव के जितना हम लोग का यहाँ है उतना ही भी आएगा है ना आएगा 2-3 हज़ार वहाँ जाएगा क्या चीज़ का पूजा हुआ है यहाँ पर ये गिरिगावर्धन पूजा आ रहा है निवेदन करूंगा कि इस मंच के बारे में विधायक को ताली बजाने के लिए और पति बाबू शर्मा आप सवार हमारे विधायक संजय शर्मा को मनापन करेंगे हमारे कमेटी के हेलो জানোয়ার পশু আর ওই ওদের জন্যই আজ পরব মানায় ওদেরকে খুশ করবার জন্যই আজ পরব টানো তো এই পরবের শুভ অবসরে উপস্থিত সবাই যে উপস্থিত হয়েছি সবাইকে শুভকামনায় আর এই পরব গুলা আমাদের আজকাল থেকে আমরাকে আমাদের যে বংশ ছাড়ি যাইছে এইগুলাকে শুভ মনে